आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि बृहस्पति का अच्छा होना क्यों जरूरी है और कुंडली में यदि बृहस्पति खराब स्थिति में हो तो जातक को क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपको सभी खुशियाँ दे मित्रों। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे एक से एक बेहतरीन वीडियो की जानकारी आपको टाइमली मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। मैंने अनगिनत विषयों पर वीडियो बनाई है, लेकिन आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। मेरा चैनल डॉक्टर उमा श्री के नाम से है और उस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है, पहले ये अयोध्या एस्ट्रो के नाम से था, लेकिन बाद में मैंने इसका नाम बदल के डॉक्टर उमा श्री नॉलेज बैंक कर लिया। तो इस नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरी सारी वीडियो इसमें आ जाएंगी और आप मेरा दूसरा चैनल भी ज़रूर देखिए, उसमें भी कुछ अलग तरह की जानकारी होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बृहस्पति, जिन्हें कि देवगुरु कहा गया है, देवगुरु इसलिए कहा गया कि वो देवताओं के गुरु हैं और उनमें देवत्व जैसे गुण हैं। देवत्व गुण उन्हें बोलते हैं जब एक मनुष्य सामान्य सोच से थोड़ा ऊपर उठता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो देवतुल्य सोच रखता है, और ये हर कोई मनुष्य कर सकता है। लेकिन बहुत सी कुंडलियाँ पीड़ित होती हैं जिनमें कि बृहस्पति की पोजीशन काफ़ी ख़राब होती है और ऐसे व्यक्ति अपनी सोच की वजह से ही ज़िंदगी में मात खाते हैं। बृहस्पति सब तरफ सम्मान दिलवाता है, धन दिलवाता है, पैसा भी दिलवाता है, स्थायी संपत्ति, संतान, पति सुख, इन सब चीज़ों का कारक है बृहस्पति। शिक्षा अच्छी दिलवाता है। यदि बृहस्पति पीड़ित होता है तो शिक्षा में बहुत सी बाधाएं आती हैं, रुकावट आती है, शिक्षा बंधन योग निर्मित हो जाता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति का अच्छा होना जरूरी है। लेकिन जिन कुंडलियों में नैसर्गिक कारक नहीं है, नैसर्गिक से मतलब जिनकी कुंडली में कोई नैसर्गिक कारक तो सभी कुंडलियों के लिए है, लेकिन जिन कुंडलियों में कुछ खास स्थिति होती है कि उनमें बृहस्पति शुभ स्थानों का स्वामी नहीं होता है और लग्नेश का भी शत्रु होता है, वहाँ पर बृहस्पति को सामान्य स्थिति में ही रहने देना चाहिए, उसके साथ बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी चाहिए। इसकी तुलना में अपने उन ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जो आपकी कुंडली में विशेष कारकत्व रखते हैं। किसी भी स्त्री के स्वभाव को देखकर बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि उसका बृहस्पति अच्छा है या ख़राब है। पहली चीज़ तो ये है कि बृहस्पति जिस स्त्री का ख़राब होता है वो इंटेंशनली ज़रूरी नहीं है कुछ करे, लेकिन उनके विचार कभी कभी ऐसे ज़रूर हो जाते हैं कि वो रिश्तों को निभाने में भरोसा नहीं करती हैं, और यही कारण है कि दाम्पत्य जीवन में मिठास नहीं रहती है, अलगाव तक की नौबत आ जाती है। बृहस्पति अपयश भी बहुत दिलाता है। हम कहते हैं सूर्य यश दिलाता है, लेकिन बृहस्पति भी कई कंडीशंस में हमने देखा है बृहस्पति पीड़ित होता है तो इंसान कितना भी अच्छा करे किसी के लिए हमेशा उसको गालियाँ ही खानी पड़ती है, लोग उसकी हमेशा कमियाँ निकालते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा है वो किसी के लिए कुछ भी नहीं करेगा ना तो भी उसको प्रसिद्धि मिलती रहेगी, लोग उसकी तारीफ करते रहेंगे, उसके गुणगान करते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये सत्य है बात। बहुत से व्यावहारिक कुंडलियों में हमने देखी है बात, किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, किताबों में बहुत सी बातें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, हम ये नहीं कहते उनका उनके पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो ज्ञान तो अथाह महासागर है, लेकिन आज के संदर्भ में उसमें अधिक शोध की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम आज के हिसाब से उसके प्रडिक्शन कर सकें। किताबी ज्ञान के आधार पर आप प्रडिक्शन नहीं कर सकते हैं किसी के भी जीवन को लेके। तो बृहस्पति जो है ना, किन लोगों को अच्छा होना चाहिए, किसको इसका क्या उपाय करना चाहिए, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। बृहस्पति जो है, जैसे मेष लग्न है उसमें मुख्य भूमिका अदा करता है, वृषभ लग्न में अष्टमेश होता है तो ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, बृहस्पति जिस हालत में है उसको वहीं रहने देवें। ज़्यादा मेहनत बृहस्पति को अच्छा करने के चक्कर में आपकी कुंडली में तरह तरह की परेशानियां पैदा हो जाएंगी। बृहस्पति की तुलना में आपको शनि को स्ट्रांग करना चाहिए या शुक्र को स्ट्रांग करना चाहिए। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों की जो कुंडली होती है उसमें बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से ग्रसित होते हैं तो उनको पूर्ण फल तो मिलते ही नहीं है कभी भी, चाहे बृहस्पति कितनी भी अच्छी स्थिति में हो। बृहस्पति दो केंद्र स्थानों का स्वामी होता है और वो है सप्तम भाव और दशम भाव, दोनों ही जो स्थान है बहुत महत्व के होते हैं। लेकिन जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति अस्त हो जाए या नीच का हो जाए तो समझ लो उनके तो दो केंद्र स्थान का मामला बिल्कुल गड़बड़ हो गया, तो उनको बहुत मेहनत करनी चाहिए और बृहस्पति निश्चित रूप से उनको अच्छा करना चाहिए और बहुत प्रयास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों को बृहस्पति को हमेशा स्ट्रांग करने का प्रयास करना चाहिए और स्ट्रांग होता है तो उनको लाभ मिलता ही है, क्योंकि लग्न में जो राशि पड़ रही है वो बृहस्पति की उच्च राशि है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। बृहस्पति किसी भी स्थिति में हो, कर्क लग्न वाले व्यक्ति ज्ञानवान बहुत होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं और ज्ञान का खजाना उनके भीतर समाहित होता है। सिंह लग्न वालों को भी बृहस्पति को अच्छा रखना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों को भी बृहस्पति, क्योंकि दो केंद्र स्थानों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोष से ग्रसित है। जो लोग ज्योतिष नहीं जानते उन्हें बता दूं कि जब कोई ग्रह दो केंद्र स्थानों का स्वामी होता है तो उसे केंद्राधिपति दोष लग जाता है, और यह दोष बुध और बृहस्पति दोनों को है, क्योंकि बुध भी दो केंद्र स्थानों का स्वामी पड़ता है धनु और मीन लग्न में, और मिथुन और कन्या लग्न में बृहस्पति दो केंद्र स्थानों का स्वामी होने से केंद्राधिपति दोष से ग्रसित है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न वालों को भी बृहस्पति जिस हाल में है कुंडली में उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और आपको शुक्र शनि बुध इन तीन ग्रहों को स्ट्रांग करने का प्रयास करना चाहिए, तो आप तभी आपका मामला सही हो पाएगा। वृश्चिक, वृश्चिक वालों को निश्चित रूप से बृहस्पति को अच्छा करना चाहिए। धनु, धनु वालों का तो लग्नेश है बृहस्पति, बृहस्पति के जितने भी उपाय करने कम हैं, लेकिन बृहस्पति की कारक चीज़ों का भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। लग्नेश की चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। लोग करवाते हैं, कुछ पंडित ज्योतिषी करवाते हैं, पर मैं इसका खंडन करती हूँ, और मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ, अपनी लग्न का से संबंधित चीज़ों का दान करने का मतलब है आप खुद ही अपने आप को मार रहे हो, आप खुद ही अपने आप को समाप्त कर रहे हो, अपनी पावर को कम कर रहे हो। आपको बृहस्पति की चीज़ें खरीद कर लानी चाहिए, स्वयं सेवन में लेने चाहिए, लेकिन दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मकर, मकर वालों को भी बृहस्पति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लग्न में आपकी बृहस्पति की जो नीच राशि पड़ रही है तो इसकी वजह से आपको कई तरह की परेशानियां जिंदगी में आती हैं, लेकिन बृहस्पति को सामान्य बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कुंभ, कुंभ लग्न वालों को भी बृहस्पति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, सामान्य स्थिति में रहना चाहिए। मीन, मीन लग्न वालों को बृहस्पति का जितना उपाय कर सकें बेहतरी के लिए करना चाहिए, बृहस्पति उनके लग्नेश है। तो इस प्रकार से बृहस्पति को किन को अच्छा करना चाहिए, किन लग्न को नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अब आइए और विस्तार से चर्चा करते हैं कि बृहस्पति अगर खराब होता है कुंडली में तो किस तरह की स्थिति देता है। मेष लग्न में अगर बृहस्पति कमज़ोर होता है तो भाग्य संबंधी बहुत सी दिक्कत जाता की ज़िंदगी में आती हैं, और उनकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष बन जाते हैं। तो उपाय के तौर पे उनको गुरुवार का व्रत हमेशा करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, और अपने माथे पर पीला तिलक जरूर लगाना चाहिए, गुरुवार को पीले कपड़े जरूर पहनने चाहिए, और पीली गाय की जितनी सेवा आप करेंगे आपको फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न वालों को क्या करना चाहिए, वृषभ लग्न वालों को एक तो अपने घर में कभी भी केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए, ना ही केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए। उनके लिए शमी का वृक्ष अच्छा रहता है, शमी का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष की सेवा करें और शमी के वृक्ष की सेवा करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कपास के जो पेड़ होता है उसके समक्ष एक दीपक लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बृहस्पति के कोई उपाय आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन ब्राह्मण वर्ग का आपको अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए, और धार्मिक स्थानों में जितना आप दान दे सकते हैं ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। गुरुवार को भूलकर भी वृषभ लग्न वालों को पीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा करने से उनके घर में भयंकर क्लेश हो सकता है। आप इसको चेक कर लेना जरूर, ये मेरा चैलेंज है जिनका वृषभ लग्न है वाकई में, और जिनके धनु और मीन राशि नहीं है, क्योंकि राशि भी अगर बृहस्पति की है तो इतना बुरा प्रभाव नहीं करेगा, लेकिन राशि भी आपकी ये नहीं है और आपका वृषभ लग्न है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। बृहस्पति के जो भी उपाय हैं वो तो सोच समझ कर करें आप, और पीले कपड़े बिल्कुल भी आपको गुरुवार को नहीं पहनने हैं। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों को गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए, हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, विकट परिस्थिति में एक पीला पुखराज जरूर धारण करें, लेकिन ये चेक कर लें कि बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में ना हो। बृहस्पति अगर अस्त है तो भी बृहस्पति का नग ना पहने। वैसे हमने ट्रायल करके देखा है, कई लोगों को सूट करता है, कई लोगों को नहीं करता है, तो आप ट्रायल करके देख लीजिए और पीला पुखराज गुरुवार के दिन धारण कर लीजिए, नहीं तो हल्दी या केले के पेड़ की जड़ या भारंगी की जड़ आती है उसको आप धारण कर लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन सिर बिल्कुल भी नहीं धोना है, पोछा नहीं लगाना है। बृहस्पति के जितने भी उपाय आप कर सकते हैं आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मिथुन लग्न वालों का अगर बृहस्पति अस्त होता है तो शादी में बहुत डिले होता है, पैसे की तंगी की वजह से शादी नहीं हो पाती है, शादी के बाद भी स्थायित्व नहीं रहता, आपको हमेशा अपयश मिलता है, आप किसी के लिए जान भी लगा देंगे तो लोग कहेंगे थोड़ी कमी रह गई, आपकी ये स्थिति हो जाती है। तो बृहस्पति को आप अच्छा करें, जरूर अच्छा करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको सम्मान भी मिलेगा, तो आपके लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना अनिवार्य ही है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वाले बृहस्पति को जितना अच्छा कर सकते हैं उनके सम्मान में उतनी ही वृद्धि होगी। सिंह लग्न वाले बृहस्पति के जितने उपाय कर सकते हैं करें, उनको फ़ायदा होगा। कन्या लग्न वाले बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करें, पीला पुखराज नहीं तो सफ़ेद पुखराज धारण करें, पर करें जरूर। गुरुवार का व्रत करने से उनको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, गुरुवार को पीले कपड़े पहनने सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और घर का मकान बनेगा आपका। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न वाले बृहस्पति के साथ छेड़छाड़ ना करें, केले का पेड़ घर में ना लगाएं, केले के पेड़ की पूजा ना करें, वो ओम नमः शिवाय का जाप डेली करें, उनको फ़ायदा होगा, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा वो करें तो इससे भी उनको फ़ायदा होगा। कृष्ण के ओम क्लेम कृष्णाय नमः ये मंत्र आप जपें, आपको फ़ायदा होगा।
लेकिन बृहस्पति के लिए आपको पीले कपड़े गुरुवार को पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वृश्चिक लग्न वाले पीले कपड़े पहने और बृहस्पति के सारे उपाय करें, उनको बहुत फायदा होगा। धनु लग्न वाले भूल कर भी चने की दाल गुड़ इसका दान भूल कर भी ना करें, स्वयं सेवन करें लेकिन दान ना करें। कभी भी किसी को पीला वस्त्र दान में ना करें, इस चीज़ का जरूर आप ध्यान करें। आप जितने भी शनि के दान करेंगे आपको फायदा होगा, लेकिन बृहस्पति के दान आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। बृहस्पति की चीज़ों का सेवन आपको करना है गुरुवार को, लेकिन आपको केला नहीं खाना है। बृहस्पति का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको हेल्थ इतना बढ़िया हो जाएगा। स्वास्थ्य में दिक्कत है तो पीले कपड़े पहने, संडे का व्रत करें, गुरुवार का भी व्रत आप कर सकते हैं, और एक पीला पुखराज हमेशा आप धारण करके रखें पेंडेंट के रूप में, या फिर आप एक रिंग पहन सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपको सब तरफ सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं मकर लग्न। मकर लग्न वालों को बृहस्पति के कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, उनको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए और एक कटेला नग धारण कर लेना चाहिए, उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मकर लग्न वालों को जो सम्मान है ना वो बृहस्पति की वजह से नहीं मिलेगा। बृहस्पति अगर अस्त है, नीच का भी है ना कुंडली में, तो आप जैसे आपके लग्न में अगर बृहस्पति बैठा है तो नीच का हो जाएगा, तो आप बृहस्पति की बजाय आप शनि का उपाय करें, शनिवार का व्रत कर लें और नीलम पहन लें। लेकिन बृहस्पति की चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि दान बृहस्पति जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है उसका दान करने में, नीच का जो ग्रह होता है वो दान देने से ही प्रसन्न होता है, तो उसका दान आप जरूर कर सकते हैं। बाकी आपको और कोई उपाय नहीं कर रहे हैं कि आप पीले कपड़े पहन रहे हैं, गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, ये नहीं करना है। अगर बृहस्पति लग्न में नीच का भी है तो भी गुरुवार का व्रत आपको नहीं करना है। धार्मिक स्थलों की सेवा करें, साधु संन्यासियों का कभी अपमान ना करें तो आपको फायदा होगा। कुंभ लग्न वाले भी यही प्रक्रिया अपनाएं। अब हम बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न वाले पीली चीज़ों का दान भूलकर भी ना करें, पीली गाय की सेवा जरूर करें लेकिन पीली चीज़ों का दान ना करें। गाय को आप हरा चारा खिलाएं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपको गुरुवार को पीले कपड़े पहनने हैं, पीले रंग का तिलक लगाएं, गुरु यंत्र पूजा में रखें, आपको अनगिनत फायदा होगा। तो इस तरह से बृहस्पति को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। जिन कुंडलियों में बृहस्पति कारक नहीं है और परेशान कर रहा है तो वो अपने जो कुंडली है उसके हिसाब से उपाय करें जो मैंने अभी आपको बताए। इसके अलावा भगवान श्री हरि का स्मरण करने से किसी को भी नुकसान नहीं होता है, ये सभी लग्नों पर लागू हो जाती है, चाहे कारक है, अकारक है, नीच का है, कैसा भी है। तो बृहस्पति अगर अस्त होता है, नीच का होता है, तो जातक की शिक्षा में बाधा, संतानोत्पत्ति में बाधा, स्पेशली पुत्र संतान संबंधी दिक्कत उस जातक को आती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती है, व्यक्ति मुँहफट होता है कई बार और उसकी वजह से ही उसको अपयश का भागीदार बनना पड़ता है। वो उस गहराई तक नहीं पहुँच पाता जहाँ एक ज्ञानवान व्यक्ति पहुँच पाता है। वो अति भावुक होता है, जिसका बृहस्पति खराब होता है वो बहुत भावुक होता है और भावुकता में ज़िंदगी में सही निर्णय नहीं ले पाता है। बृहस्पति जो है गंभीरता देता है, ज्ञान देता है, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। तो बृहस्पति को जो नहीं मैंने उपाय करने को बोला वो अपने दूसरे ग्रहों को उपाय करें, उससे उनमें ये क्षमता पैदा होगी। जैसे कि मकर लग्न है, आपने शनि को स्ट्रांग कर लिया, अच्छा कर लिया, शुक्र को अच्छा कर लिया, तो ये टैलेंट आपके अंदर उन ग्रहों की वजह से आ जाएगा जिसकी वजह से आपको जीवन में सफलता मिलने वाली है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और बृहस्पति को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। हर स्त्री को, चाहे 12 के 12 लग्न है, किसी भी स्त्री को दो काम तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गुरुवार वाला जो है ना कि गुरुवार को सिर ना धोएं, गुरुवार को पोछा ना लगाएं, ये सभी पर लागू होती है बात 12 लग्नों पर। यहाँ सिर्फ जो पीली चीज़ें पहनने की बात है, पीली चीज़ें दान देने की बात है, वो मैं बात आपसे बात करी मैंने, और उनका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। लग्नेश का की जो चीज़ें हैं कारक, उसका कभी दान ना करें, वो आपको बर्बाद कर सकता है। आपको जो ग्रह आपके लिए अशुभ हैं उनका दान करें, या जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है और अस्त है उसका दान करें। अस्त का ग्रहों का दान करने से वो ग्रह संतुलित हो जाता है और आपको दुष्प्रभाव उसके नहीं मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये बृहस्पति संबंधी जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बृहस्पति की जो चीज़ें हैं ना वो और सुन लो, आपको चलते चलते बता देती हूँ कि बृहस्पति के लिए आपको पुखराज पहनना होता है, लेकिन जिनका लग्नेश शुक्र है वो सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं। अगर उनको बृहस्पति को अच्छा करना है तो पीले की जगह वो सफ़ेद पुखराज पहने तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। इंडेक्स फिंगर में ही पहनना है, इससे उनको ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों की पूजा करने से, साधु संन्यासियों की पूजा करने से, पीली गाय की सेवा करने से सभी का बृहस्पति अच्छा हो जाता है, और जो इसको बोलते हैं ना खट्टा बृहस्पति, खटाई वाला बृहस्पति भी अच्छा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बृहस्पति जहाँ अस्त होता है वहाँ बहुत दिक्कत आती है, तो उन लोगों को ये सारे उपाय करने चाहिए जो मैंने सामान्य रूप से सभी लग्नों के लिए बताए हैं। और कलर, बृहस्पति का जो पीला कलर है वो अमेजिंग वर्क करता है। पीले रंग के फूल वाले पौधे लगाएं, गेंदे के फूल के पौधे लगाएं, गेंदे के फूल को पीस कर उसका तिलक माथे पर लगाएं, तो आप देखिएगा वशीकरण भी होता है इससे।
और हर कोई आप पर मोहित भी हो जाता है। तो ये इतने सारे उपाय मैंने बृहस्पति के आपको बताए। गुरुवार को कढ़ी चावल बनाएंगे, खाने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेसन की रोटी बनाएं। बृहस्पतिवार का जो व्रत है उस पर वैसे मैंने वीडियो बना रखे हैं, बाकी उसमें बृहस्पतिवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए और बेसन का ही खाना चाहिए। जो लोग नमक भी खा लेते हैं तो वो ना करें व्रत, कोई फ़ायदा नहीं है। बृहस्पतिवार का व्रत सुंदरता भी देता है, चेहरे पर चमक भी देता है। तो बृहस्पतिवार जो है बहुत ज़्यादा काम का है और बृहस्पति तो अच्छा होना ही चाहिए।